हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। और आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी 5:30 बजे अभी टाइम हो गया है 5:30, और आ गई हूँ जयपुर। वापस से लग गई हूँ अपने कामों में, और मतलब होते ना परेशान से हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गई, परेशान हो गई, मतलब इतना थक गई तो ब्लॉग भी नहीं बना पाई बिल्कुल भी। और रघु मिष्टी दोनों लग रहे हैं अपने अपने काम में बिजी हैं, वो दोनों अभी मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रघु तो छोटा है ही सही, पर मिष्टी क्या है, अभी आपको मैंने बताया कि भाई वो हमीरपुर जाने का जिद कर रही थी, पर मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि भाई एक रात के लिए जाने का कोई मतलब नहीं था, मतलब जैसे कि आप पहुँचेंगे फिर रात सोना ही था, सुबह तो मुझे निकलना ही पड़ता कैसे भी। तो मैंने कहा क्यों ना नेक्स्ट टाइम कभी भी जब भी रुकने का होगा ना तब जाएंगे, अभी कोई मतलब नहीं था। और फिर जितने टाइमिंग में मैं हमीरपुर पहुंचती ना उतने में तो मैं यहाँ जयपुर ही पहुंच गई। तो दीदी क्या जाएंगे नेक्स्ट टाइम दोबारा, अभी पहुंच गए वापस से। और पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे, और थोड़ा दुख तो होता ही है देख करके कि भाई अपन जो थोड़ा टाइम रहते हैं साथ में रहते हैं, कैसे भी रहते हैं ना, फिर भी ना आँखों के सामने रहते हैं ना तो अपने को तसल्ली रहती है कि हाँ भाई पापा बातें बातें करते रहते हैं, पापा लड़ भी लेते हैं सबसे, पापा उनका मन होता जैसे कर लेते हैं। पर अभी दूर आ जाते ना तो थोड़ा सा टेंशन सी जाती दिमाग में। क्या हुआ तो रघु को, हमारे को पानी पीना है। क्या हुआ रघु? रघु को पानी पीना है। कैसे पीना है पानी? अरे पानी पीना है, पानी लेके आते हैं, पहले मैं इसको पानी पिला देती हूँ। भाई रघु क्या कर रहे हो आप? हमाम कर रहा है रघु। कार्टून भी देख रहा है? कहाँ है कार्टून? कार्टून आ रहे हैं भाई हमारे रघु के, है ना। मिष्टी भी हमारी कार्टून देखती है आजकल, आजकल के पहले भी देखती थी मिष्टी तो रघु को कोशिश करते हैं हम कि भाई रघु को कार्टून में मन लग जाए, कार्टून में रघु का, है ना रघु। और मैंने जितने भी पौधे लगा रखे हैं ना, थोड़े बहुत जो भी हैं मतलब सारे सूखे सूखे हो गए हैं। आप देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी इनकी सूखी हुई है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो बेचारे पेड़ पौधे तो सूख ही जाते हैं, मतलब टाइम पे पानी मिल ही नहीं पाता है इनको। और अब तो ये बारिश में जाके थोड़े बहुत सही होंगे। और मैं शाम के टाइम में जा रही हूँ, अभी बज गए हैं 4:30-5 का टाइम है, और मैं इस टाइम पे कपड़े सुखाती हूँ आजकल डेली, क्योंकि क्या गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो दिन में सुखाते हैं तो कपड़े ही ख़राब हो जाते हैं अपने धूप में इतना ज़्यादा तेज़ में। अगर आप कपड़े सुखाएंगे तो ऑब्वियसली आपके कपड़े ख़राब ही होंगे। और मैं वापस रघु को संभालने के लिए आ गई थी नीचे, क्योंकि वो ऊपर आने की ज़िद करने लग गया था, और मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े सुखाने के लिए। और आज मैंने मिष्टी से पकड़वा रखा है कैमरा, क्योंकि के अभी लगता है ना कि ट्राईपॉड लेके आओ सेट करो तो बड़ा टाइम लग जाता है छत पे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि कपड़े ही सुखाने थे बाकी कुछ करना था नहीं, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो लगता है भाई जल्दी से चले जाए नीचे। तो आज पहली बार मिष्टी ने ऐसे कैमरे पकड़ करके वीडियो बनाया है मेरे, तो मैं सोच रही थी किस, पहले समझ नहीं आता किसको लेके जाएं, पर मैंने सोचा क्यों ना मिष्टी को लेके जाते हैं। तो पहली बार ट्राई करा उसको कैमरा पकड़वा के वीडियो बनवाने का, और उसने काफ़ी अच्छे से बनाया और वो काफ़ी खुश भी हो रही थी और बार बार कह भी रही थी देखिए फ्रेंड्स मेरी मम्मी कपड़े सुखा रही हैं, और आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। तो मैं इसी बात पर थोड़ा सा हंस रही थी और वो इस तरह से बातें करने में लग रही थी यहाँ पर, और वो भी वही काफ़ी ज़्यादा बातें करती है, वो काफ़ी टाइम से फ़ोन देखती है ना, मतलब ये मान लीजिए मैंने वीडियो वगैरह तो अब जाके स्टार्ट करें बनाने, वो तो काफ़ी टाइम से देखती आ रही है और बोलना उसको पहले से ही आता है, और वो इस तरह से ना मिरर में देख देख के हमेशा से बोलती रहती है हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं। तो ये सब तो वो नॉर्मली हमारे घर में वैसे भी बोलती रहती है, और मैं उसको बोल रही थी सारे कपड़े अच्छे से दिखा दे, फिर मैंने उससे कैमरा लेके मैंने उसको खुद ले लिया था। वो बोल रहे थे मम्मा हो गया मैंने बना लिया, मैंने कहा चलो ठीक है अब नीचे चलते हैं अपन। और मैं नीचे आते ही फटाफट से लग गई थी किचन में, क्योंकि के मैं आजकल बस गर्मी का टाइम है तो लगता है शाम के टाइम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाए तो बच्चों को बाहर घुमा लें थोड़ी देर, और बच्चे वैसे भी घर में बोर हो ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन गट्टी की सब्ज़ी, तो मैंने बेसन अपने हिसाब से ले लिया था, आपको जितने बनाने हो उतना ले लें। और उसमें डाल दिया था नमक, हल्दी, मिर्ची,
जो भी अपने मसाले होते हैं बेसिक मसाले वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और बेसन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, जितनी सब्ज़ी बनानी हो उतनी आप ले लें उतना बेसन। और मैंने इसमें हल्की सी सौंफ डाल दी है, आप सौंफ अवॉइड भी कर सकते हैं, जिसको पसंद नहीं है सौंफ तो वो सौंफ ना डालें, मैंने हल्की सी डाल दी थी। और मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ, हींग डालने से क्या है ना गट्टे में अच्छा टेस्ट आ जाता है हींग का। और वैसे भी मैं आज जो गट्टे बना रही हूँ ना, ये बना रही हूँ छाछ वाले, छाछ के दही छाछ वाले। और मैंने इसमें मौन डाल दिया था थोड़ा सा, और हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दूँगी मैं इसमें, खाने का सोडा डालूंगी, खाने का सोडा मतलब बिल्कुल ही कम डालना है क्योंकि हमने इसमें मोयन भी डाला है। ज़्यादा अगर डालेंगे, अगर हम इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हमें सोच समझ के रखनी चाहिए, ज़्यादा अगर डाल देंगे तो हमारे गट्टे क्या है फैल जाएंगे कढ़ाई में ही, तो वो अच्छे नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। और हम इसका आटा गूँध लूँगी, तो इसका आटा भी मैं हल्के हल्के पानी डाल डाल कर ही गूँधूँगी, क्योंकि के मेरे साथ पहले भी एक दो बार हो चुका है कि अगर ज़रा सा भी हम पानी ज़्यादा डाल देते ना तो पानी बेसन जल्दी से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, पानी पानी हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है आपका जल्दी से बेसन वाला आटा। तो कभी भी आप जब भी बेसन लगा के कोई भी आटा गूंथते हैं ना, तो उसमें हल्का हल्का पानी डालकर ही गूंदना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मैं इसका जो आटा लगाऊंगी ना, तो ज़्यादा सख्त लगाऊंगी ना ज़्यादा नरम लगाऊंगी। और आज मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए इसलिए भी सोच रही हूँ कि भाई सब्ज़ी कोई भी नहीं थी घर में फ़िलहाल, और सब्ज़ी मंडी जाने में मुझे थोड़ा सा यूँ लगता है कि भाई दोनों बच्चों को लेके कैसे जाएँ, थोड़ा सा रोड क्रॉस थोड़ा दूर है मंडी, वैसे इतना ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है हमारे, पर रहता ना दो बच्चों को रोड क्रॉस कराना, फिर गाड़ी वगैरह भी रहती है, फिर अपन सब्ज़ी वगैरह का जो भी थैला वगैरह लेके जाते हैं उसको भी पकड़ के लाना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत लगती है सब्ज़ी मंडी लेके जाने में बच्चों को। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी अभी थी नहीं, तो मैंने आज गट्टे की सब्ज़ी सोची थी बनाने का, बना रही हूँ मतलब मैं। और मैं इसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूंद लूँगी ताकि कि चिपके ना, क्योंकि बेसन कभी भी अपन की बेसन की कोई भी चीज़ बनाते हैं हाथों में काफ़ी ज़्यादा चिपकता है बेसन, तो तेल डालने से क्या होता है वो चिपकता नहीं है हाथों में। और मैं ऐसे लंबी लंबी इसकी लोइयां सी बना लूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे पानी में। और आप चाहे तो इस तरह से लंबी ना बना के छोटी छोटी गोल गोल बना करके डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जो गट्टे वाली सब्ज़ी की रेसिपी देखते हैं ना बन, उसमें हमेशा से ऐसे गट्टे छोटी छोटी गोलियां बनाकर ही बॉईल करते हैं। और मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ही पानी चढ़ा दिया है, बॉईल कर लिया है, इसमें मैं गट्टे उबाल लूँगी। और मैंने कढ़ाई इसलिए ली थी क्योंकि भाई मैं सोच रही हूँ कि इसी कढ़ाई में मैं गट्टे उबाल लूँगी, और इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भी इसी में बना लूँगी, अलग अलग से मुझे बर्तन करने की ज़रूरत नहीं लग पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसमें उबाल लूँगी अच्छे से अपने जो बनाए हुए गट्टे हैं इनको। और पानी का ध्यान रखिए कि पानी को आप बिल्कुल अच्छे से बॉईल आने दें, उसके बाद ही इसमें गट्टे डालें, और फिर इसको हम ढक करके अच्छे से रख देंगे, पका लेंगे। और मेरे गट्टे यहाँ पर बन गए हैं, काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे बने हैं। तो मैं यहाँ पर इनको बड़ी वाली परात में निकाल लूँगी थोड़ी सी, क्यों मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि कि मैं क्या करूँगी इसी वाली परात में मैं आटा भी गूँध लूँगी, तो मुझे अलग से बर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई है, मैंने यहाँ पर मसाला भी तैयार कर लिया है गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए। इसमें वही मैंने हल्दी नमक नहीं डाला है सॉरी मिर्ची डाली है, मिर्ची और सूखा धनिया, और मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च काट ली थी, और खड़ी मिर्च और जीरा राई जो होता है ना उसका मैंने अलग से रख लिया था तड़का। और मैं इसमें सबसे पहले जीरा राई मिर्ची डाल के हरी मिर्च डाल दूँगी, उसके बाद ही मसाले डाल दूँगी अपने। नमक मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि नमक डाल देते हैं तो कोई भी हम छाछ या दही वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना तो नमक से क्या फट जाती है सब्ज़ी, तो मैं अभी नमक पहले नहीं डालूंगी इसमें। और मैं अब इसमें डाल दूंगी छाछ, पहले मसाले को अच्छे से हम पका लेंगे, जो भी मसाला मैंने इसमें डाला है इस मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी छाछ। मैं बाज़ार की छाछ का यूज़ कर रही हूँ, आप अगर घर में आपकी छाछ होती है या फिर आप कहीं से भी कोई सी भी छाछ का यूज़ कर सकते हैं, घर वाली बाहर वाली, तो मैंने तो सरस की एक छाछ की थैली मंगवाई थी उसी से मैं बना रही हूँ। और फिर हम इसका अच्छे मंदी मंदी आँच पर हिला के रखना है बॉयल आने तक। और उसके बाद मैंने इन गट्टों को ऐसे ऐसे कट कर लिया था चाकू से, और कट करने के बाद इन गट्टों को मैं इसमें बॉईल आने के बाद मैं अच्छे से मिला दूंगी गट्टों को। और
इसको हम अच्छे से उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे, और मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, पकने देंगे हम इसे। और ये देख सकते हैं आप कि भाई कितनी अच्छी सब्ज़ी बन करके रेडी है, और मैंने यहाँ पर अच्छे से उबाल लिया है हमारी सब्ज़ी को, काफ़ी अच्छा बॉईल आ गया है। और अब इसमें हम हरा धनिया डाल दूंगी। मेरा सब्ज़ी जो है बिल्कुल बन करके रेडी है, गट्टे की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और अब मैं बना लूंगी चपाती, और मैंने आटा गूंद करके रख दिया था, और उसके बाद अब मैं रोटी भी सेक लूंगी लगे हाथ ही। और अभी गर्मियों का टाइम है तो ज़्यादा गर्म गर्म की ज़रूरत पड़ती है नहीं, और यूँ लगता है कि भाई सही टाइम पे अगर मैं बना लेती हूँ ना तो भाई पीछे बाद में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो फिर ज़्यादा अगर लेट हो जाती हूँ ना तो मुझे खुद को भी इरीटेशन होने लग जाती है। भले मैं कितनी अगर ज़्यादा काम ना होना फिर भी मेरे को लगता है टाइमिंग टू टाइम काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भले मैं अकेली रहती हूँ फिर भी मुझे लेट लतीफ़ होना या लेट लेट काम करना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों शुरू से ही आपके साथ शुरू से होता है ना, जैसे कि आप बचपन से जो चीज़ देखते आए हैं वही चीज़ आप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं शुरू से मम्मी पापा के यहाँ पर भी हम लोग कभी भी लेट नहीं होते हैं खाने में, सुबह भी हमारा काम, मतलब अभी मैं गई जस्ट जाके आई हूँ तो ये मान लीजिए सारा काम 11:30-12 बजे तक सुबह का पूरा काम फ्री हो जाता है, और शाम का काम भी मान लीजिए 8 बजे तक तो सारा काम फ्री हो जाता है हमारे घर का। तो शुरू से ही, और ससुराल में भी हमारे यूँ नहीं है कि भाई ज़्यादा लेट लेट बने कोई भी चीज़, ससुराल में भी मेरे जल्दी ही खा लेते हैं, शाम को भी इतना लेट नहीं करते हैं कि भाई कोई 10 बज रही 11 बज रही, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जल्दी ही खाना प्रिफेयर करते हैं। और मैं यहाँ जयपुर में भी अकेले होने के बावजूद भी मैं टाइम टू टाइम सारा काम फ्री कर लेती हूँ, जैसे सुबह भी मैं सही टाइम पर खाना बना लेती हूँ, शाम को भी मुझे लगता है क्योंकि वैसे भी ये तो लेट ही आते हैं 11:30 समथिंग आते हैं तो वैसे भी वो ठंडा ही होएगा खाना कभी भी आएंगे, और ये इनको मेरा ऐसा कोई इश्यू है भी नहीं कि ये ठंडा नहीं खाएंगे, ये खा लेते हैं अभी। और गर्मियों का टाइम है तो सब्जियां रोटियां वगैरह भी इतनी ज़्यादा कैसरोल वगैरह में अपन रख देते हैं तो वो ऐसी कुछ होती नहीं, वो नरम बनी रहती हैं, गर्म भी रहती हैं थोड़ी बहुत, इसलिए मैं तो अपने ये मान लीजिए खाना 7:30 बजे तक बनाकर पूरा अपना शाम के टाइम में पूरा फ्री कर देती हूँ। उसके बाद मैं 8 बजे तक बच्चों को खिला देती हूँ और 8:15 तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये मान लीजिए सारा काम मैं 8:30 तक तो फ्री कर ही लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि के बच्चे घर ही घर में थोड़ा सा परेशान हो भी जाते हैं, और छत वगैरह पर भी क्या है हमारे थोड़ा हवा वगैरह इतनी अच्छे से आती नहीं है फ़िलहाल अभी, और अभी गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो हवा कहाँ से आएगी, तो लगता है थोड़ा रोड पे ही घूम लेते हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, बच्चों को थोड़ा रोड पे घुमाने के लिए ले जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैंने यहाँ पर रोटी वगैरह बना कर रख के रख दी थी, और खाना वगैरह थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ लेट खाऊंगी, अभी मेरे को इतनी भूख भी नहीं थी तो मैं रोटी मतलब काम फ्री करके अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद शाम के टाइम में भगवान जी की आरती वगैरह का टाइम भी हो जाता है तो भगवान के दीपक वगैरह करना और भृगु को खिलाना मिष्टी को खिलाना तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो यूँ लगता है कि अपन गैस भी अगर टाइम है तो मैं जैसे जल्दी फ्री कर लेती हूँ, अगर थोड़ा लेट हो जाती हूँ लगता है खाना लेट हो गया बनाने में तो फिर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, भगवान की पूजा करने के बाद तो सबसे पहले भृगु को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मिष्टी को खिला देती हूँ और फिर मैं खा लेती हूँ। और कभी कभी तो खैर मिष्टी यूँ पीछे पड़ने लग जाती है कि मम्मा आपके साथ ही खाऊँगी, तो फिर ये होता है कि सबसे पहले मैं भृगु को खिलाती हूँ उसके बाद मिष्टी और मैं हम दोनों साथ में ही खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है पूरा अपना किचन भी साफ कर दिया है और अब कर खाएंगे फ्रेंड्स। मैंने खाना वाना खा लिया था और मैं ना सब्जी में जो मैंने सबसे बड़ी जो गलती कर दिया सब्जी रच रच के बनाई। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, मुझे बात कर लूँ पहले, बाय बाय कर रहा है भाई ये तो। हाँ तो भाई मैंने सब्जी तो इतने अच्छे से बनाई पर मैं उसमें नमक डालना ही भूल गई, तो भाई आप जब भी सब्जी को बनाए तो उसमें नमक ज़रूर डाल दें, क्योंकि आप नमक ही नहीं डालेंगे सब्जी में तो आपकी सब्ज़ी का कोई टेस्ट आएगा ही नहीं, तो भाई नमक ज़रूर डाल दें। याद से मैं भूल गई थी और अच्छा हुआ मुझे मेरे खाने के टाइम पर ही याद आ गया, तो मैंने उसमें नमक डाल के सब्ज़ी को अच्छे से बॉईल कर लिया था। अगर बाद में डालती तो पता नहीं ये तो फिर उनका मूड ऑफ हो जाता, कहते उसमें सब्ज़ी ही नहीं डाल, नमक ही नहीं डाला, क्या बनाया है वो। तो अच्छा हुआ मुझे सही टाइम पर याद आ गया कि सब्ज़ी में नमक डालना मैं भूल गई हूँ, फिर मैंने नमक डाल के उसको बॉईल कर लिया था और सब्जी नॉर्मल बन गई बस। और आगे के भृगु आइसक्रीम चिल्ला रहा है भृगु और मिष्टी, तो मैं इन दोनों को थोड़ा बाहर ले जाऊंगी घुमाने के लिए, इनको आइसक्रीम वगैरह दिला के ले आती हूँ। इधर आ जा, ये भृगु लेके आया है हमारा आइसक्रीम, बता ना भृगु कौन सी आइसक्रीम लाया है। ये कलर वाली लेके आया है आज,
फ्रूटफुल फ्रूटफुल वाली लेके आए हैं भाई। बताना प्रभु, दबाओ नहीं टूट जाएगी। आइसक्रीम खाएंगे ये दोनों ना। इसको मिष्टी को खानी है। ये हमारी मिष्टी जो है पिलो ला रही है बिस्तर बिछाने में, वो पूरी पूरी हेल्प कर रही है भाई। मिष्टी क्या ला रही है पिलो? इसका अलग ही काम चल रहा है, ये अलग अंदर ले जा रहा है। ब्रगो बाहर लगा दो। हाँ मिष्टी हमारे पिलो लगा रही है बाहर, हम सोएंगे तो सबके लिए पिलो लगाने में लग रही है। अच्छा, और ये हमारा ब्रगो वापस ले जा रहा है। क्या कर रहा है ब्रगो, कहाँ ले जा रहा है? यही सोएंगे अपन। कैसी हो गई है? रखो इधर लगा दो यहाँ बाल। पापा की परी और मम्मी की राजकुमारी। अच्छा लो ऐसा सेट कर दिए हैं, है ना मिष्टी? खोलेगी भाई। तो गाइस हमने पिलो लगा दिया है, अब बिस्तर की हालत बहुत खराब है, उसको भी ठीक करेंगे फिर हम सोएंगे ठंडी 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 हवा में। फिर पापा तो रात को आएंगे, आपको वैसे भी पता है, और आज का वीडियो कर देंगे एंड यहाँ पर एंड। आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड बाय बाय। ब्रगु बाय करो। बाय। ये हमारे ब्रगु का बाय हो गया। बाय करो।